दोस्तों, बॉलीवुड की कई ऐसी बेहतरीन फिल्में हैं जिनमें काम करने वाले मेल और फीमेल कलाकारों की जोड़ी को दर्शकों ने बड़े पर्दे पर खूब ज्यादा पसंद किया। जी हाँ, वो एक्टर और एक्ट्रेसेस की सुपर बेस्ट जोड़ी है जिसे आज भी दर्शक फिल्मों में बार बार देखना चाहते हैं। और इन को स्टार्स की जोड़ी को दर्शक इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि इन्हें एक समय में रियल लाइफ कपल तक मानने लग गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि बॉलीवुड की जनता ने किन टॉप 8 को स्टार्स की लाजवाब जोड़ियों में से किसे नंबर 1 का खिताब दिया है? जी हाँ, वो कौन से रोमांटिक को स्टार्स की ऑन स्क्रीन जोड़ी है जिसे दर्शक नंबर 1 मानते हैं? तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उस रोमांटिक जोड़ी से रूबरू करवाने वाले हैं जिसके कलाकारों को ऑडियंस ने नंबर 1 की श्रेणी पर रखा है। साथ ही साथ आप ये भी जान जाएंगे कि वो नंबर 1 जोड़ी आखिर है कौन सी। तो फिर आइए एक एक कर रूबरू हो जाते हैं उन सभी को स्टार्स की सुपरहिट जोड़ियों से। नंबर 1, ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल। दोस्तों, भला इन दोनों फ्रेश और रोमांटिक जोड़ी को कोई कैसे भूल सकता है जिन्होंने फिल्म कहो ना प्यार है में अपना सादगी और सिंपलिसिटी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इन्होंने इस फिल्म में बस अपने सच्चे प्यार के किरदारों से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था, तभी तो आज भी अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन को इस फिल्म के लिए बॉलीवुड की गलियों में जाना जाता है। इसलिए तो दर्शक आज भी ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की जोड़ी को फिल्म कहो ना प्यार में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 7, टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर। बॉलीवुड की फिल्मों की एक और सुपरहिट जोड़ी है टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर, जो कि फिल्म बागी और बागी 3 में देखने को मिली थी। इन दोनों ही लाजवाब केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शक हर बार इनके दीवाने हो जाते हैं, तभी तो डायरेक्टर्स भी इन्हें अपनी फिल्म में एज अ कपल कास्ट करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। नंबर 6, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। इस लिस्ट में रणवीर सिंह और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम भी शुमार होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनका नाम आए ही ना, क्योंकि ये बॉलीवुड की फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जोड़ी है जो कि फिल्म रामलीला, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी में दिखाई दे चुके हैं। और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और जोड़ी भी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आती है कि दर्शक इन्हें कभी भी और कहीं भी साथ देखने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। नंबर 5, शाहिद कपूर और करीना कपूर। दोस्तों, इस लिस्ट में 5th पोजीशन हासिल करने वाली खूबसूरत और प्यारी जोड़ी कोई और नहीं बल्कि शाहिद कपूर और करीना कपूर खान की है, जो कि फिल्म मिलेंगे मिलेंगे, 36, चाइना टाउन और जब वी मेट जैसी कई फिल्मों में धमाका करते हुए नजर आ चुकी थी। वहीं इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी कि ये रियल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट करने लगे थे और दर्शकों को भी यही डेटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मगर जब से इन्होंने एक दूसरे से ब्रेकअप किया है, तब से ये जोड़ी कभी भी किसी फिल्म में बतौर हीरो हीरोइन नजर नहीं आई है। नंबर 4, अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर। हाँ, मैंने भी प्यार किया फिल्म से एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की इस इंटेंस जोड़ी का तो कोई सवाल ही नहीं है और ना ही इसका कोई जवाब है। जिन्होंने अपनी दमदार और अदायगी और खूबसूरती से दर्शकों के दिलों में अपनी खास और गहरी जगह बनाई है। इस फिल्म में इनके चुलबुले और सीरियस किरदार को भी दर्शकों द्वारा खूब ज्यादा इंजॉय किया गया था, लेकिन इन दोनों की ये मनमोहने वाली जोड़ी आज तक दोबारा किसी और फिल्म में देखने को नहीं मिली। नंबर 3, सलमान खान और रानी मुखर्जी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर रखा गया है सलमान खान और रानी मुखर्जी की क्यूट से और इनोसेंट सी जोड़ी को, जो कि हमें फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में देखने को मिल चुकी है। इन दोनों की एक्टिंग, अदायगी और नोकझोंक वाली लव केमिस्ट्री दर्शकों को इतनी रास आई कि इन्हें कई फिल्मों में एक साथ एक दूसरे के लाइफ पार्टनर के बनते हुए देखा जा चुका है। ये जोड़ी आज भी पॉपुलर है और बॉलीवुड की सबसे क्यूट जोड़ियों में एक गिनी जाती है। नंबर 2, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना। जी हाँ, असल जिंदगी में हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि पति पत्नी के परफेक्ट कपल के तौर पर पहचान बनाने वाले अभिनेता अक्षय कुमार और इनकी धर्म पत्नी ट्विंकल खन्ना भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी कमाल की ऑन स्क्रीन जोड़ी है जो हमें साथ में काम करती हुई दिखाई दी थी फिल्म जुमली में। ये फिल्म जब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई तो अक्षय को लगा कि इनकी ट्यूनिंग और बॉन्डिंग ट्विंकल के साथ काफी अच्छी जमती है। इस फिल्म के बाद इन्होंने ट्विंकल खन्ना के साथ शादी करने का फैसला ले लिया था और आज भी ये कपल दर्शकों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बेस्ट जोड़ी बन चुका है। नंबर 1, गोविंदा और रानी मुखर्जी। जी हाँ, जिस सुपर टूपर हिट और लाजवाब जोड़ी का आप सबको इंतजार था वो है अभिनेता गोविंदा और रानी मुखर्जी की जोड़ी। इस जोड़ी को ही दर्शकों ने नंबर 1 का खिताब दिया है, क्योंकि जब गोविंदा और रानी फिल्म हद कर दिया अपने में दिखाई दे चुके थे तो कोई भी इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि इनके बीच में 15 साल की उम्र का बड़ा फासला है। जी हाँ, इन दोनों की ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग और एक्सप्रेशन इतने ज्यादा कमाल के थे कि ये दोनों एक दूसरे से छोटे बड़े लगने के बजाय बिल्कुल बराबर के दिखाई देते थे और इसी के चलते ये जोड़ी
ही बॉलीवुड की ऑन स्क्रीन बेस्ट जोड़ी बनी। वहीं ये जोड़ी आज भी दर्शकों की सुपरहिट रोमांटिक जोड़ी बन चुकी है, जिसे वो ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए तो ये जोड़ी नंबर वन ऑन स्क्रीन जोड़ी कहलाई जाती है बॉलीवुड की। तो दोस्तों, आप इन सभी कलाकारों में से किस कलाकार की जोड़ी को फिल्मों में देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, आप हमें उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन साथ ही साथ ऐसी और दिलचस्प खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।